और अब मुझे ऐसा लगता है कि ना मुझे IVF के लिए जाना चाहिए था। गाइस वेलकम टू इंडियन मॉम स्टूडियो। तो आज मैं आप लोगों के साथ अपने दिल की बात करने के लिए आई हूँ और ये बहुत ही टची टॉपिक है, ज़्यादा लोग इस बारे में बात नहीं करते हैं। लेकिन कमेंट सेक्शन में मुझसे अक्सर पूछा जाता है कि कशिश आपका सिंगल चाइल्ड क्यों है, क्या आपने इसके बाद कभी प्लान नहीं किया? तो ऐसा नहीं है, मैंने इसके बाद भी बहुत बार कोशिश की थी, दो से तीन बार मेरा मिसकैरेज भी हुआ है और वो सिचुएशंस कुछ ऐसी थी जो मेरे कंट्रोल में नहीं थी, डिफरेंट सिचुएशंस की वजह से वो हुआ था। और अब मुझे ऐसा लगता है कि ना मुझे IVF के लिए जाना चाहिए था, लेकिन मेरे पास इसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं थी, तो ऐसे में डर लगता है। आज मैं ना आपके साथ सारी की सारी जानकारी शेयर करने वाली हूँ। जी हाँ, आपने सही सुना, सारी की सारी जानकारी, क्योंकि जो डर और तकलीफ मुझे हुई है मैं नहीं चाहती वो उन लोगों को हो जो इस बारे में प्लान कर रहे हैं। और मेरे पास कुछ ऐसे कमेंट्स भी आते हैं जिनका कोई बेबी नहीं है और वो काफ़ी सालों से प्लान कर रहे हैं लेकिन सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे हैं। तो इस तकलीफ को मुझसे ज़्यादा बेहतर कौन समझ सकता है? मेरा मानना यह है कि ना आज की डेट में अगर पहले के मुकाबले देखा जाए तो IVF जो है वो एक्सेसिबल भी है और काफ़ी अफोर्डेबल भी है, लेकिन ना सारे लोगों को इसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं पता होती। सुनी सुनाई बातों पर अगर आप जाओगे तो सही इन्फॉर्मेशन कभी नहीं मिलेगी। जिन डॉक्टर से मैं आज मिलवाने वाली हूँ ना, उन्होंने बहुत सक्सेसफुल IVF प्रोसीजर्स किए हुए हैं, तो उनसे मिलने के बाद आपके जितने भी डाउट हैं, जो मेरे दिल में डाउट थे, वो सारे आज क्लियर हो जाएंगे। हेलो डॉक्टर। हाय रीमा, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, हाउ आर यू? मैं भी अच्छी हूँ। तो गाइज, आज मैं मिलने आई हूँ डॉक्टर पारुल गुप्ता खन्ना से। ये नोवा IVF गुड़गांव में एक सीनियर कंसल्टेंट हैं। इनको काफ़ी सारे अवार्ड भी मिल चुके हैं, जैसे कि यूथ आइकन अवार्ड, जिसे दिया है इंडियन सोसाइटी ऑफ असिस्टेड रिप्रोडक्शन ने। आज ना डॉक्टर, मैं आपके पास IVF से रिलेटेड कुछ ऐसे क्वेश्चंस लेकर आई हूँ जिनके बारे में मुझे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहता है और मेरे सब्सक्राइबर्स भी जो इस चीज़ से होकर गुजर रहे हैं उन्हें भी पूरी जानकारी नहीं है। मुझे अच्छा लगेगा अगर आप इसके बारे में क्लैरिटी दें। ओके, प्लीज हैव अ सीट। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो सबके दिमाग में रहता है, व्हाट इज IVF? सो रीमा, जैसे हम जानते हैं IVF इज इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इसे हम कॉमन लैंग्वेज में टेस्ट ट्यूब बेबी या फिर ICSI, ICSI ऐसे नामों से भी जानते हैं। इसे हम टेस्ट ट्यूब बेबी इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें हम महिलाओं के शरीर में से एग्स लेकर उनको मेल पार्टनर के स्पर्म्स के साथ आर्टिफिशियली लैब में फर्टिलाइज करते हैं, और ये एग्स क्योंकि हम टेस्ट ट्यूब्स में कलेक्ट करते हैं, हेंस द नेम टेस्ट ट्यूब बेबी। ओके, और एक और क्वेश्चन है जो हमेशा माइंड में आता है कि IVF की प्रोसेस क्या है और IVF की जो लैब है उनमें क्या होता है? सो IVF एक एडवांस रिप्रोडक्टिव ट्रीटमेंट जो है उसका एक प्रोसीजर होता है। इसमें हम पेशेंट्स के, जो फीमेल पेशेंट्स होती हैं हमारे, उनको हार्मोनल इंजेक्शंस देते हैं और उनकी ओवरीज में जो एग्स बनते हैं उनको साइज में इंक्रीज करते हैं। जब ये इंजेक्शंस कम से कम 10 दिन के लिए, 9 से 10 दिन के लिए दिए जाते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि पेशेंट की बॉडी से क्या रिस्पॉन्स आ रहा है। उस हिसाब से जब वो एग्स सारे रेडी हो जाते हैं तब हम ट्रिगर लगा के उनको ओव्यूलेट करते हैं और कम से कम 36 घंटे के बाद फिर उनको ओवम पिकअप, जो सेकंड मेन स्टेप है जिसे हम बोलते हैं ओवम पिकअप, उस दिन हम हल्की बेहोशी देकर वो एग्स उनकी ओवरीज से अल्ट्रासाउंड की मदद से निकाल लेते हैं। जिस दिन हम ये ओवम पिकअप करते हैं, एग रिट्रीवल करते हैं, उसी दिन हम उनके मेल पार्टनर के साथ उनके एग्स को फर्टिलाइज करते हैं, जो कि हम लैब में माइक्रोस्कोप के नीचे करते हैं। फर्टिलाइजेशन होने के बाद जो बनता है उसे हम एम्ब्रियो बोलते हैं। अच्छा। ये एम्ब्रियोस को फिर हम इंक्यूबेटर में 3 या 5 दिन तक ग्रो कराते हैं, एंड डिपेंडिंग अपॉन द डे कि वो 3 दिन के हैं या 5 दिन के हैं, उसके बाद हम उनको फीमेल के यूट्रस में ट्रांसफर करते हैं।
तो ये जो सारी प्रक्रिया है एग्स को निकालने के बाद उनको फर्टिलाइज करने से लेकर इंक्यूबेटर में उनको ग्रो करने तक, ताकि उनको सेम वही एनवायरनमेंट मिले जो कि उनको एक फीमेल की यूट्रस में मिलना चाहिए था, वो हम आर्टिफिशियली लैब में क्रिएट करते हैं। तो यही पूरा प्रोसीजर एम्ब्रियोलॉजी लैब में होता है। तो ये पूरा सेफ होता है ये प्रोसेस, मतलब यस। सो हम कभी भी कोई एज अ डॉक्टर हम कोई भी प्रोसीजर करते हैं, हमारे लिए फीमेल की सेफ्टी इज द टॉप मोस्ट प्रायोरिटी। महिला सबसे पहले सुरक्षित रहनी चाहिए। इसमें इंजेक्शंस जो हैं ये सेफ रहते हैं और ये 9 से 10 दिन के लिए दिए जाते हैं। उसके बाद जो हम एनेस्थीजिया देके एग रिट्रीवल भी करते हैं तो वो भी बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होता है। लगभग आधे घंटे में ही पेशेंट ओटी में जाता है, एग्स निकलने की प्रक्रिया हो जाती है, वो हम उनको ओटी से बाहर भी शिफ्ट कर देते हैं। सो दिस इज अ वेरी सेफ प्रोसीजर। और एम्ब्रियो ट्रांसफर का जो थर्ड मेन स्टेप होता है एम्ब्रियो ट्रांसफर, वो स्टेप तो हम 99% केसेस में विदाउट एनेस्थीजिया, मतलब बिना किसी बेहोशी के ही करते हैं। इट्स अ पेनलेस प्रोसीजर। सो पूरे IVF प्रोसीजर में 3 मेन स्टेप्स रहते हैं, जो कि पहला होता है हार्मोनल इंजेक्शंस देके ओवरीज को स्टिमुलेट करना। सेकेंड मेन स्टेप रहता है ओवम पिकअप यानी अंडा निकालने की प्रक्रिया करना, और उसी दिन हम IVF यानी कि एग्स को फर्टिलाइज करते हैं। और थर्ड मेन स्टेप रहता है कि जो एम्ब्रियोज बन गए वो फीमेल्स की यूट्रस में वापस से ट्रांसफर कर देते हैं। IVF ट्रीटमेंट में कितना टाइम लग जाता है? IVF की पूरी प्रक्रिया में 1 से लेकर 3 महीने तक भी लग जाते हैं। तो अगर कोई कपल है जिनका एक्स का जो रिजर्व है वो नॉर्मल है और हमको बहुत ज्यादा एक्स नहीं मिल रहे, तो हम उसमें फ्रेश ट्रांसफर भी करते हैं। फ्रेश ट्रांसफर यानी कि जिस दिन हमने एक्स निकाले हैं उससे 3 या 5 दिन के बाद हम उसी महीने ही ट्रांसफर कर सकते हैं। ऐसे में पूरा ट्रीटमेंट 1 महीने में ही खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर कुछ और प्रॉब्लम्स हैं, जैसे यूट्रस में कोई फाइब्रॉइड है जिसको निकालने की जरूरत पड़ गई है, या फिर एडिशनल प्रोसीजर हिस्ट्रोस्कोपी लग रहा है, तो ऐसे में, या फिर हमको सारे एम्ब्रियोस को फ्रीज करना पड़ रहा है, स्पेशली जिन पेशेंट्स को पॉलीसिस्टिक ओवरीज है, तो ऐसे में हम एग्स निकालने के बाद 1 महीना वेट करते हैं और फिर नेक्स्ट मंथ में उनके एम्ब्रियोस ट्रांसफर करते हैं। तो उन्होंने एवरेज 1 to 3 मंथ्स तक का टाइम एक कपल को लग सकता है। IVF ट्रीटमेंट का सक्सेस रेट कितना रहता है? सो IVF का मैक्सिमम सक्सेस रेट हमारे नोवा IVF में अराउंड 60-70% है, क्योंकि आजकल टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है कि हम सिंगल day 5 एम्ब्रियो ट्रांसफर करके हमें बहुत अच्छे सक्सेस रेट मिल रहे हैं। हमारे पास बेटर फ्रीजिंग टेक्निक्स हैं। अगर हम आज से 10 साल पहले का कंपेयर करें तो सक्सेस रेट मेयरली less than 30% थे, बट टूडे वी हैव रीच्ड अ स्टेज जहाँ पर हमारे 10 में से 6 to 7 कपल्स फर्स्ट अटेम्प्ट में प्रेगनेंट हो जाते हैं। अगर मान लीजिए IVF ट्रीटमेंट फेल हो जाए तो फिर क्या नेक्स्ट ऑप्शन रहता है? सो रीमा, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बिकॉज हम सब जानते हैं कि IVF या इनफर्टिलिटी का कोई भी ट्रीटमेंट 100% नहीं है। अगर हम मैक्सिमम सक्सेस रेट को भी देखें तो जैसे हमने बात करा कि 60-70% के ऊपर सक्सेस रेट है, क्योंकि 30% साइंस अभी भी एडवांस कर रही है। एज अ डॉक्टर हम भी वो कारण ढूंढते हैं जिसमें हमें नहीं पता चलता कि साइकिल कहाँ फेल हो रहा है। सो जिन कपल्स में IVF ट्रीटमेंट फेल हो गया उसमें हम थोड़े स्पेशल टेस्ट होते हैं। अच्छा। जैसे कि अगर हिस्ट्रोस्कोपी नहीं हुआ है यूट्रस को देखने के लिए तो हम वो टेस्ट एडवाइस करते हैं। स्पेशल टेस्ट होता है जिसमें हम यूट्रस की जेनेटिक टेस्टिंग करते हैं, उसको हम ईरा टेस्ट बोलते हैं। और आजकल एम्ब्रियोस की ग्रेडिंग देखने के लिए हम जो टेस्ट करते हैं PGT बोलते हैं, प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक टेस्टिंग। हमारे पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI के सॉफ्टवेयर्स भी हैं जिससे हम एम्ब्रियो की क्वालिटी के बारे में पता लगा सकते हैं। सो दीज आर सम ऑफ द एडिशनल टेस्ट जो कि हम फेल्ड साइकल्स में एडवाइस करते हैं। उसके अलावा अगर तब भी सेल्फ साइकल सक्सेसफुल नहीं हो रहा तो हम पेशेंट को डोनर साइकल्स के लिए यानी कि डोनर एग्स या डोनर स्पर्म अकॉर्डिंग टू द केस एडवाइस करते हैं। बट इफ यू हैव ट्राइड एवरीथिंग एंड इट इज नॉट वर्किंग आउट, देन द कपल कैन ऑल्सो लुक फॉर अडॉप्शन, एंड इट इज अ गुड ऑप्शन। इट इज ऑलवेज अ बेटर आइडिया टू ब्रिंग अ चाइल्ड होम एंड गिव द चाइल्ड अ न्यू होम एंड पेरेंट्स। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा। तो क्या एज आप सजेस्ट करोगे IVF ट्रीटमेंट के लिए? सो IVF के लिए कोई स्पेसिफिक एज नहीं है, बट कपल्स जिनकी अभी रिसेंटली मैरिज हुई है लेकिन फीमेल पार्टनर मोर देन 35 है, या मेल पार्टनर दोनों कपल की एज मोर देन 35 है, सो ऐसे कपल्स को इनिशियल फेज में इफ दे आर हैविंग फर्टिलिटी इश्यूज दे शुड वी एडवाइज देम IVF एंड दे शुड लुक फॉर ऑप्शंस लाइक IVF। उसके अलावा जैसे हमने बात करा कि यंग कपल हैं जो कि काफी लंबे समय से, सपोज इफ दे आर इन देयर अर्ली 30s लेकिन वो 10-12 साल से बच्चे के लिए प्लान कर रहे हैं, तो ऐसे कपल्स को भी उसके बाद हम डायरेक्टली IVF की एडवाइस देते हैं। अक्सर जब कोई IVF कराता है और हमें पता चलता है तो हम लोग ये सोचते हैं यार इसको तो ना ट्विंस ही हो गए,
ऐसा क्यों लगता है? आपने बिल्कुल सही पूछा। एक्चुअली क्या है, लोगों का एक मिसकंसेप्शन है कि IVF का ट्रीटमेंट करवाया है तो जुड़वा बच्चे ही होंगे। ये पहले एक्चुअली आज से अगर हम 10 साल पहले की बात करें तो फ्रीजिंग, जब हम एम्ब्रियो को फ्रीज करते थे, वो टेक्निक्स बहुत एडवांस नहीं थी। उसमें क्या होता था, जितने हमारे पास एम्ब्रियो बन गए, हमारे पास क्योंकि बहुत अच्छी विट्रिफिकेशन टेक्निक्स नहीं थी, तो हम 3 से या 4 एम्ब्रियोज भी पेशेंट के अंदर डाल देते थे। एज अ रिजल्ट मल्टीपल प्रेगनेंसीज बहुत ज्यादा होते थे। बट आज के टाइम में हमारे पास ऑप्शन है कि अगर हम पेशेंट को सिंगल एम्ब्रियो ट्रांसफर का ऑप्शन भी देते हैं, इनफैक्ट वी आर मूविंग टुवर्ड्स द प्रैक्टिस जहां पर हम पेशेंट को बोलते हैं कि आप सिंगल एम्ब्रियो ही डलवाइए। पहली चीज, एक बच्चा रुकेगा लेकिन वो एक हेल्दी प्रेगनेंसी और अनकॉम्प्लिकेटेड प्रेगनेंसी रहती है। जब हम 2 से भी ज्यादा एम्ब्रियो डालते हैं तो उसमें ट्रिपलेट्स भी, तिड़वा बच्चे भी रुक सकते हैं, बट उसमें क्या होता है, प्रीमेच्योर डिलीवरी का भी चांस होता है। तो इन सबसे बचने के लिए हम पेशेंट्स को एडवाइस करते हैं कि वो 1 या at the max 2 एम्ब्रियो से ज्यादा नहीं डलवाएं, क्योंकि हम 2 एम्ब्रियो डाल रहे हैं सो देयर इज ऑलवेज अ पॉसिबिलिटी कि वो ट्विंस के साथ प्रेग्नेंट हो जाए, कंसीव करें। सो एज अ रिजल्ट ऑफ दैट लोगों के मिसकंसेप्शन हो गए कि अगर हमने IVF प्रेगनेंसी करवाई है तो उसमें ट्विंस ही होगा। बट यू कैन ऑलवेज स्पीक टू योर डॉक्टर एंड ऑप्ट फॉर अ सिंगल एम्ब्रियो ट्रांसफर। अच्छा, इस पूरे IVF ट्रीटमेंट में कितनी कॉस्टिंग आ जाती है? सो IVF का जो कॉस्टिंग है, जो खर्चा है, वो सेंटर टू सेंटर वेरी करता है। बट इंडिया में मेजॉरिटी सेंटर्स में IVF की ट्रीटमेंट 1 to 1.25 lakh से शुरू होकर 2 lakhs तक कहीं पर भी जा सकती है, डिपेंडिंग अपॉन कि आपके खुद के एग्स यूज हो रहे हैं, डोनर एग्स लग रहा है, डोनर स्पर्म लग रहा है, या फिर कोई एडिशनल टेस्टिंग लग रही है एज पर द केस रिक्वायरमेंट। तो उसके हिसाब से जो कॉस्टिंग है वो वेरी कर जाती है, आपके इंजेक्शंस बॉडी को कितना डोज में लग रहे हैं। लेकिन जो मेजॉरिटी ऑफ द पैकेजेस जो हैं वो 1 lakh से लेकर 1.25 lakh से बिगिन होते हैं। तो मेरे जो व्यूअर्स हैं वो आपसे अगर कंसल्ट करना चाहें तो वो कब कर सकते हैं डॉक्टर? मेरी जो OPD है उसका टाइमिंग 9 to 5 एवरी मंडे टू सैटरडे। आई एम अवेलेबल एट नोवा IVF गुड़गांव Sector 27। हमारे यहाँ फर्स्ट कंसल्टेशन, पेशेंट का रजिस्ट्रेशन एंड अल्ट्रासाउंड इज फ्री ऑफ चार्ज। At Nova IVF, we believe in quality care to the patient. We have a very good success rate of around 65 to 70%. We have all the latest facility, जैसे कि embryo testing, hysteroscopy, laparoscopy, embryo vitrification, जिसके अंदर हम artificial intelligence, genetic testing of the uterus, apart from the routine IVF and ICSI procedure which we do. We also have latest sperm retrieval techniques like टीसा, पीसा, माइक्रोटेसे। तो IVF से रिलेटेड जितनी भी लेटेस्ट फैसिलिटी हमको चाहिए होती है लैब में, वी हैव अवेलेबिलिटी ऑफ ऑल दैट सॉर्ट। नोवा में हमारे स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल्स हैं जो हम पेशेंट की क्वालिटी केयर एंड रिजल्ट के लिए हम फॉलो करते हैं। एंड हमारा यहाँ पर वन साइज फिट ऑल वाला मेथड नहीं है, हम पेशेंट को इंडिविजुअलाइज्ड प्रोटोकॉल्स के थ्रू ट्रीट करते हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर, आपने इतनी हेल्पफुल इन्फॉर्मेशन हम सबके साथ शेयर करी है। थैंक यू रीमा, इट वॉज माई प्लेजर टू इंटरेक्ट विद यू एंड योर व्यूअर्स। आई होप कि आई एम ऑफ हेल्प एंड इन फ्यूचर अगर उनके लिए हम नोवा में हम उनके लिए किसी हेल्प के हो सके सो वी वुड बी वेरी ग्लैड। डॉक्टर से डिस्कशन करके मुझे काफ़ी कुछ नया पता चला। आई होप ये वीडियो जो है उन सभी के लिए हेल्पफुल रही होगी जो IVF के बारे में सीरियसली सोच रहे हैं। अगर आपको इसके बारे में डिटेल डिस्कशन करना है तो कॉन्टैक्ट डिटेल मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दूंगी, आप वहाँ पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो, वो भी बिल्कुल फ्री। तो चलिए इस व्लॉग को मैं यहीं पर एंड करती हूँ, मिलूंगी आप लोगों से एक और अच्छे से वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड लॉट्स ऑफ लव। लव यू गाइज़।